हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं AEW के पेपर व्यू डबल और नथिंग के मैचेस के बैटिंग ऑड्स के बारे में। फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद AEW का पेपर व्यू आया है और इसके लिए काफ़ी बड़े मैचेस सेट हैं और गाइस PPV है तो सटेरियो के बाजार भी गर्म हो चुके हैं, काफ़ी तगड़े बैटिंग लग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी हैं इस बार के बैटिंग ऑड्स। तो गाइस, क्या आपका फेवरेट सुपरस्टार या फेवरेट टीम जीतने वाली है, क्या कुछ रिजल्ट्स रहेंगे, क्या कुछ शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिलेंगे, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से। गाइस, यहां पर पहला बड़ा मैच सेट है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यही है द यंग बक्स वर्सेस जॉन मॉक्सली एंड एडी किंगस्टन की। गाइस, जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन जैसी टीम आपको पता है भाई, सामने हो तो किसी भी चैंपियन के लिए अपने टाइटल डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा, पर बैटिंग ऑर्ड्स आपको उतना ही शॉक करके रख देंगे। गाइस, यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड सपोर्ट करें यंग बक्स को यानी टाइटल रिटेन को। जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन की टीम इतनी लेजिट नहीं है, इतनी ज़्यादा यूनाइटेड नहीं है जिस वजह से उन्हें चैंपियनशिप दी जाए, तो इस मैच में हमें चैंपियनशिप रिटेन देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस नेक्स्ट मैच है सिंगल्स मैच हैंगमैन एडम पेज वर्सेस ब्रायन केज के बीच में। गाइस, ये मैच भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऐसे में आप प्रेडिक्ट कर रहा था भाई ब्रायन केज जीतेंगे, पर बैटिंग ऑर्डर कुछ और कह रहे हैं और अच्छे खासे डिफरेंस है आगे हैं हैंगमैन एडम पेज। नेक्स्ट मैच एक और सिंगल्स मैच है और ये मैच भी काफ़ी बड़ा मैच है। ये मैच है कोडी रोड्स वर्सेस एंथनी ओगोगो के बीच में। तो मैच से तो काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है भाई कोडी रोड्स हैं इस मैच में और इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स सपोर्ट करें भाई एंथनी ओगोगो को। कोडी रोड्स को मैं सोचा था इस मैच में जीतेंगे पर वो अंडरडॉग हैं और फेवरेट हैं एंथनी ओगोगो। और गाइज, इसके अलावा एक बड़ा कैसिनो बैटल रॉयल मैच शामिल है जिसमें लगभग 10-12 बंदे हैं जो कम्पीट करने वाले हैं। जो भी इस मैच में जीतेगा उसे आने वाले टाइम में मिलेगी AEW चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी और ये देख सकते हैं आप, ये सारे बंदे इस मैच में कम्पीट करेंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीतने चांसेस हैं क्रिश्चियन केज के। भाई केज ने जब से डेब्यूट किया था उन्हें पता था कि भाई उन्हें चैंपियनशिप का मौका मिलना है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं और मेरे को भी लग रहा है कि वही जीतेंगे और आगे फेस करेंगे वो कैनी ओमेगा को। उसके बाद है पेंटा एल ज़ीरो, जंगल बॉय, पावर हाउस होप्स, मैट हार्डी भी टॉप 5 में हैं। तो गाइज़, ये टॉप 5 बंदे हैं जो कि इस मैच को जीत सकते हैं और आगे AEW वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैच है AEW TNT चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पर मीरो होने वाला है सेकंड टाइम टाइटल डिफेंड, वो भी करेंगे लैंस आर्चर के अगेंस्ट। तो गाइस, मैच तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मीरो के पास काफ़ी लंबे टाइम के बाद चैंपियनशिप आई है तो क्या वो उनके पास से जाएगी, यहाँ तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है। और बैटिंग ऑर्ड्स भी भाई मीरो को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे डिफरेंस से लैंस आर्चर से काफ़ी अच्छे से डिफरेंस से आगे हैं, मीरो फेवरेट हैं इस मैच में। वहीं गाइज, नेक्स्ट मैच है टैग टीम मैच डार्बी एलन एंड स्टिंग वर्सेस स्कॉर्पियो स्काई एंड ऑल ईगो ईथन पेज। गाइज, तो ये मैच तो काफ़ी ज़बरदस्त था और ये मैं आपको बता दूँ स्टिंग का डेब्यूट मैच है AEW में, तो मैच तो हमें तगड़ा देखने को मिलेगा। मैच से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है इस मैच से भी। तो आपको बैटिंग ऑर्ड्स बता दूँ तो आपको पता ही चल गया होगा भाई यहाँ पर AEW किसे स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली है, वो है डार्बी एलन और स्टिंग इस मैच में जीतने वाले हैं। वहीं गाइज, एक मैच है टैग टीम मैच स्टेडियम स्टैम्पेड मैच और इसमें 5-on-5 मैच है इनर सर्कल वर्सेस पिनाकल के बीच में। और आपने देखा होगा जब ये पहली बार दोनों टीमें भिड़ी थी तो पिनाकल की टीम जीती थी, तो क्या यहाँ पर इनर सर्कल बदला ले पाएगी पिनाकल से, क्या इनर सर्कल जीत जाएगी इस मैच में। तो गाइज, इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स दोनों ही टीम को बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर फेवरेट हैं, तो कोई सी भी टीम जीत सकती है। वैसे मैं यहाँ पर सपोर्ट करूँगा इनर सर्कल को इस बार। वहीं गाइज, यहाँ पर फीमेल डिवीजन से भी मैच है और ये मैच है चैंपियनशिप वुमेंस चैंपियनशिप के लिए AEW वर्ल्ड वुमेंस चैंपियनशिप के लिए हिकारु शीडा वर्सेस ब्रिट बेकर के बीच में। तो गाइज, अभी कुछ टाइम पहले ही हिकारु शीडा के 1 साल कंप्लीट हो गए एज ए AEW वर्ल्ड वुमेंस चैंपियन, तो क्या उनकी रेंग आगे कंटिन्यू रहेगी, क्या वो उनकी रेंग टूटने वाली है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं बैटिंग ऑर्ड्स बता रहे हैं कि उनकी रैंक टूटने वाली है और काफ़ी हाई मार्जिन से बैटिंग ऑर्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिट बेकर को यानी कि टाइटल चेंज को। तो ब्रिट बेकर आपके बनने वाली है AEW वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन। वहीं इसके बाद है गाइज लास्ट मैच जिस मैच पर सबकी निगाहें हैं और एक ट्रिपल थ्रेट मैच है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कैनी ओमेगा यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं पैक वर्सेस ऑरेंज कसीडी से। तो गाइज, मैच तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑरेंज कसीडी या पैक में से कोई एक बंदा होता पर वो मैच ख़त्म हो गया था नो कॉन्टेस्ट से, दोनों ही सुपरस्टार विनर नहीं थे तो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली है और कैनी ओमेगा के लिए यहाँ पर दिक्कत होगी। पर गाइज, बात करें मैच के विनर में किसे सपोर्ट कर रहे हैं बैटिंग ऑर्ड्स, यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स सपोर्ट फेवरेट बता रहे हैं कैनी ओमेगा को, काफ़ी अच्छे डिफरेंस है और
ऑरेंज कैसिडी हैं दूसरे नंबर पे, और सबसे कम चांसेस है पैक यानी कि जो WWE में नेविल थे उनके सबसे कम चांसेस है कि वो इस चैंपियनशिप को जीतेंगे। तो गाइस ये थे वो सारे मैचेस, 9 के 9 मैचेस जो कि AEW डबल और नथिंग में हमें देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपका फेवरेट मैच कौन सा, उस मैच की पर्सनल प्रेडिक्शन भी बताना कमेंट में। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं फिर।